What's up? It's Bonnie and welcome back to my channel. तो आज मैं कॉफी का यूज करके पेंटिंग करने वाली हूँ. सच में? हाँ सच में. एंड एक्चुअली ये वीडियो एक्सपेरिमेंटल वीडियो होने वाला है क्योंकि कॉफी पेंटिंग मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट मैं मेरे ड्राइंग पेपर के दो साइड्स में मास्किंग टेप चिपका दूंगी. अब मेरे पास है ये. अरे चल यार, इसमें सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है, समझी? थैंक गॉड. एनीवेज दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. ये बॉटल मैं हमेशा पेंटिंग के टाइम यूज करती हूँ. मैं अभी मेरे पैलेट के तीन सेक्शन में कॉफी का पाउडर डाल दूंगी एंड देन कॉफी में पानी डाल के एक मिक्सचर प्रिपेयर कर लूंगी. मैं यहाँ पर डार्क टोन, मिडिल टोन एंड लाइट टोन प्रिपेयर कर रही हूँ. डार्कर टोन बनाने के लिए आपको कॉफी ज्यादा एंड पानी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा. मिडिल टोन बनाने के लिए कॉफी एंड पानी का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा. लाइट टोन बनाने के लिए पानी ज्यादा एंड कॉफी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा. अब हम देखेंगे कि जो भी सारी कलर्स हमने बनाई है वो ठीक ठाक है कि नहीं. सो सब कुछ एकदम ठीक ठाक है. अब हम करेंगे पेंटिंग. एनीवेज मैं पहले अपने ड्राइंग पेपर को पानी से गीला कर दूंगी, देन लाइटर टोन को पूरे पेपर में स्प्रेड कर दूंगी. मैं एक डेजर्ट यानी रेगिस्तान की पेंटिंग कर रही हूँ. पेंटिंग काफी सिंपल है. एनीवेज पूरा पेपर ड्राई होने के बाद जो सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले होते हैं उसे हम बनाएंगे. धीरे धीरे हम लाइटर टोन, मिडिल टोन एंड डार्क टोन की हेल्प से हम अच्छे से शेडिंग करेंगे. करते करते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर कोई भी बड़ी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. शेडिंग एकदम कंप्लीट हो चुका है. अभी हम कुछ छोटी मोटी सी एलिमेंट्स ऐड करेंगे. अभी हम करेंगे आउटलाइनिंग क्योंकि ये पेंटिंग थोड़ी सी अजीब बन गई है, पता नहीं कैसे. लास्ट में कैक्टस भी ऐड करूंगी क्योंकि डेजर्ट में कैक्टस तो होना ही चाहिए. फाइनली हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है जो कि अच्छा नहीं बना है. मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इसका रिजल्ट. कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे. चैलेंज? ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड. एनीवेज आज के लिए बस इतना ही. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बी क्रिएटिव.